छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से कुछ 20-25 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत खूंटाघाट डैम के पूरब की तरफ एक छोटा सा गांव है गिधौरी, जहां के एक किसान शिव नारायण कश्यप ने अपनी जिद से लिखी अपनी जीत की दास्तान। महिंद्रा दास्ताने टफ में आज एक ऐसी कहानी जो लगती तो फिल्मी है लेकिन 100% सच है। मेरा नाम शिव नारायण कश्यप है। जब मैं शुरू में खेती करना स्टार्ट किया तो हम लोगों के पास करीब 15-17 एकड़ जमीन था और उसमें से 5-7 एकड़ जमीन में खेती हम लोग कर रहे थे, बाकी बंजर था। 1990 का दशक आखिरी पड़ाव पे था लेकिन उसी दौर में 20-22 साल का युवा किसान शिव नारायण हल बैल जैसे पुराने तरीके से खेती में जुटे थे। तो जानवर से हम लोग खेती करते थे, बैल से, तो उसमें हमारा खेती ठीक से नहीं हो पा रहा था। एक नांगर से मुश्किल से करीब 30-35 डिसमिल जमीन बस जोताई हो पाता था। जैसे अपन चाहते थे कि कल रोपाई करना है तो नांगर से नहीं हो पा रहा था, तो इसी बीच में दिमाग आया कि क्यों ना ट्रैक्टर ले लिया जाए। लेकिन उस दौर में ट्रैक्टर खरीदना एक जोखिम भरा कदम माना जाता था। उनके गाँव में उस वक्त इसके खराब उदाहरण भी मौजूद थे और घर वाले तो साफ इनकार कर रहे थे ट्रैक्टर नहीं लेना है, कि उस गांव का गौटिया ट्रैक्टर लिया था, उसका जमीन भी चला गया, ट्रैक्टर भी चला गया, तो ट्रैक्टर नहीं लेना है। तो मैं बोला कि जो नुकसान होगा देख लिया जाएगा, एक बार मेरे को लेने तो दो। तो ले दे कि मेरे को लेने दिए। घर आया महिंद्रा ट्रैक्टर। जिद नाम है उस हौसले का जिसमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जुनून हो। तो इसी जिद के नाम से मैं एकदम लगन से काम किया। आसान नहीं होता अपनी बात पर अडिग रहना, पर जिसके इरादों में सच्चाई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। महिंद्रा ट्रैक्टर आने से पहले जहां वो साल में सिर्फ एक धान की फसल किया करते थे, लेकिन अब महिंद्रा ट्रैक्टर की बदौलत शिव नारायण गेहूं की खेती भी कर रहे हैं। तो मैंने ट्रैक्टर ले लिया और लेने के बाद तो ऐसा स्थिति हम लोगों का सुधर गया पैदावार बढ़ने के नाम से, कि आज मेरे को बोलते हैं कि जो लड़का को हम लोग सोच रहे थे कि पूरा संपत्ति खराब कर देगा, आज यही संपत्ति बना लिया महिंद्रा ट्रैक्टर के नाम से। ये शिव नारायण जी की कड़ी मेहनत और महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ का नतीजा है और आज इनके पास 15 एकड़ से बढ़कर अपनी 50 एकड़ जमीन है। आज मेरे पास 3 ट्रैक्टर है, एक 265 है और 2 605 है, और इसी ट्रैक्टर से मेरा जीवन यापन चल रहा है। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ महिंद्रा ट्रैक्टर के नाम से। शिव नारायण ने संकल्प लिया, हार नहीं मानी और फिर उनकी मेहनत रंग लाई। महिंद्रा ट्रैक्टर लेने के उनके फैसले को उन्होंने सही साबित करके दिखाया। आसपास के गांव में इसी ट्रैक्टर की वजह से इनको लोग जानते हैं। पहले की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में मेरे ख्याल से ट्रैक्टर का ही अहम रोल रहा है इनके जो परिस्थिति के परिवर्तन में। कोई व्यक्ति लीक से हटकर कुछ भी करना चाहता है तो उसके आसपास के लोग उसे सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। वे ऐसे व्यक्ति को शक की निगाहों से देखते हैं, पर कहते हैं ना, हौसले की जीत हमेशा होती है। ट्रैक्टर जब मैं नहीं लिया था उसके पहले लोग सब ये समझते थे कि घर का कुछ काम धाम एक करता नहीं है, क्या आगे बढ़े गए, लोफर टाइप का तो है, आज ट्रैक्टर ले लिया है तो देखो आगे चल के क्या करता है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू जिद पर अड़ तो सही। ऐसे मेहनत कश किसानों को मजबूत बनाने में महिंद्रा ट्रैक्टर दिन रात डटे हैं, ताकि हमारे ये किसान रहें टफ हरदम।